window rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, baby. What's up people, hope you're having a great time. मैं हूँ इस वक्त नेपाल में और आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप अपना नेपाल का ट्रिप प्लान कर सकते हैं, कैसा बजट रहेगा, कैसी प्रॉपर्टीज़ में आप स्टे कर सकते हैं, कौन से एरिया में स्टे कर सकते हैं, कैसी आपकी आइटनरी होनी चाहिए, कौन से दिन कितने कहाँ कैसे और कौन कौन से साइट सीइंग आप कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना सो दैट कभी भी आप नेपाल का प्लान आउट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प आउट करे। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो अभी से सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं इस वक्त हूँ काठमांडू में और आज बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे, पिछले 15-16 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। मैं जुलाई में आ गया, थोड़ा सा ऑफ सीज़न भी रहता है और मॉनसून सीज़न रहता है, तो मेक श्योर कि आप ये कहीं गलती मत कर दें, जुलाई में मत आएँ, क्योंकि यहाँ के लोकल लोग जो है ना वो मुझे यही सजेस्ट कर रहे थे कि आपको यहाँ तो फरवरी मार्च या फिर सितंबर अक्टूबर में आना चाहिए था। बट ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, नेपाल इज़ फुल ऑफ ब्यूटी, बहुत अच्छी अच्छी साइट सीइंग है, बहुत अच्छे सराउंडिंग्स हैं, एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा रहता है, लोग बहुत फ्रेंडली हैं। चलो एनीवेज लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो और फटाफट से ना पहले आपको आइटनरी के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अगर आप नेपाल 5 दिन के लिए आ रहे हो ना, 5 डे आइटनरी, 3 दिन आप काठमांडू में स्टे कर सकते हो और 2 दिन आप पोखरा में स्टे कर सकते हो, ठीक है। काठमांडू की साइट सीइंग बहुत आराम से आप 1 दिन में या 2 दिन में आराम से कवर कर सकते हो। पहले दिन आप यहाँ पर पशुपतिनाथ टेम्पल जो है, भोले बाबा का जो मेन टेंपल है, मुखरिंग है वहाँ पे, वो विज़िट कर सकते हो, वहाँ पे दर्शन कर सकते हो, शाम को वहाँ पे आरती वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा स्वंभूनाथ मंदिर भी आप सेम डे विज़िट कर सकते हो, तो पहले मॉर्निंग में आप बौद्धनाथ स्टूपा विज़िट कर सकते हो और उसके बाद स्वंभूनाथ स्टूपा भी विज़िट कर सकते हो ऑन द सेम डे, और शाम होते होते पशुपतिनाथ टेम्पल जा सकते हो और शाम को वहाँ पर आरती भी देख सकते हो। कुछ लोग पशुपतिनाथ टेम्पल सुबह सुबह जाना भी चाहते हैं, लेकिन सुबह ना बहुत ज़्यादा रश होता है, 2-3 घंटे की लंबी कतारें होती हैं, लेकिन अगर आप पूजा वगैरह कराना चाहते हैं तो आप सुबह भी जा सकते हो। मैं शाम को गया था तो शाम को थोड़ा सा रश तो उस वक्त भी था, बट थोड़े से दर्शन जो है कम्फर्टेबली हो गए थे। काठमांडू में दूसरा दिन आप यहाँ पर एक बहुत ही फेमस जगह है ललितपुर, जो कि काठमांडू से कुछ 11 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर है पाटन दरबार स्क्वायर, वो विज़िट कर सकते हो और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और पुराने स्ट्रक्चर्स, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स, रॉयल पैलेस, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। पूरा जो एरिया है ना ललितपुर का, वो प्रिजर्व करके रखा हुआ है, 500 साल पुराना रॉयल किंग्स, मल्ला किंग्स का वहाँ पे राज हुआ करता था, तो बहुत ही प्यारी जगह है। वहाँ पे आप पूरा एक डे ट्रिप ले सकते हैं, पूरा दिन आप वहाँ पे ललितपुर में स्पेंड कर सकते हैं, प्लस ललितपुर में ही आपको वहाँ के खाने वगैरह, स्पेशली जो काठमांडू के आसपास के एरिया के मोस्ट ऑथेंटिक मोमो है ना, वो आपको ललितपुर में मिल जाएंगे। मैंने पूरे व्लॉग्स बना रखे हैं, आप मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं। तीसरे दिन पे आते हैं, तीसरे दिन अगेन भक्तापुर। तो मेनली क्या है कि काठमांडू वैली में 3 मेन दरबार स्क्वायर्स हैं, दरबार स्क्वायर काठमांडू, दरबार स्क्वायर ललितपुर और भक्तापुर दरबार स्क्वायर। तो तीसरे दिन में आप भक्तापुर दरबार स्क्वायर विज़िट कर सकते हैं, अगेन वहाँ पर आप नेवारी कुजीन ट्राई कर सकते हैं, लोकल खाने वगैरह ट्राई कर सकते हैं, आसपास पूरा एक दिन आपको भक्तापुर में लग जाएगा, तो बड़ा आसानी से आप ये काठमांडू में 3 दिन का आइटनरी रख सकते हैं। उसके बाद 2 दिन आप पोखरा जा सकते हैं और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि पोखरा इन बिटवीन प्लान करें, 5 दिन आखिर में मत प्लान करें, और पोखरा में डेवीज़ वाटरफॉल्स विज़िट कर सकते हैं, गुप्तेश्वर महादेव केव्स विज़िट कर सकते हैं और फीवा लेक भी सेम डे आप विज़िट कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया था। और पोखरा का जो मौसम है वो काफ़ी खूबसूरत रहता है, लेकिन टेम्परेचर वाइज काठमांडू से ऑन द हायर साइड है। अगर काठमांडू में जुलाई का मंथ है तो काठमांडू में अगर 23 डिग्री है तो पोखरा में 26 डिग्री रहता है। बात कर लेते हैं पोखरा में दूसरा दिन आप क्या कर सकते हैं। पोखरा में सेकेंड डे में आप पमडी कोट, जहाँ पर शिवा का स्टैचू है, वो विज़िट कर सकते हैं और बिल्कुल उसके पास में ही
वर्ल्ड पीस पगोड़ा है जो कि जापानीज बुद्धिस्ट ने बनाया था, वो भी वर्थ विजिट साइट है, बहुत ही खूबसूरत है, आसपास का पूरा पोखरा वैली दिखता है। तो ये जो जगहें हैं ये आप विज़िट कर सकते हो पोखरा में। और उसके अलावा अब बात कर लेते हैं स्टे की। मैं क्योंकि सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने काठमांडू में भी हॉस्टल लिया था और पोखरा में भी मैंने हॉस्टल लिया था। काठमांडू में मैंने दो हॉस्टल्स लिए क्योंकि मेरा 10-12 दिन का ट्रिप था। अगर आप थामेल एरिया के पास रुकेंगे कि जो कि यहाँ का फेमस एरिया है, नाइट लाइफ के एरिया, सारे पब्स, बार्स, क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, कैफे सब थामेल एरिया में ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। खाना वगैरह भी जो है ना थामेल एरिया में आसपास आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, इंडियन, चाइनीज़, थाई, कोरियन, जापानीज़, फास्ट फूड सब कुछ आपको थामेल एरिया में ईजिली मिल जाता है। थामेल एरिया की नाइट लाइफ भाई क्या कहने उसका, मतलब मुझे तो लगा कि यार मैं थाईलैंड आ गया हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। फ्राइडे नाइट को अगर आप काठमांडू आते हैं तो थामेल एरिया में ज़रूर जाना, अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा आपका। सैटरडे को भी क्राउड वगैरह अच्छा रहता है बट फ्राइडे इज़ देयर मेन डे, लाइक यहाँ का फ्राइडे सैटरडे और यहाँ का सैटरडे बेसिकली संडे, सैटरडे इज़ अ हॉलीडे। पोखरा में आप लेक साइड रुक सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फास्ट फूड कॉर्नर्स हैं, तो वहाँ पे घूमने फिरने में आपको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट और इजी ऑप्शन रहेगा। तो मेरे जो दो हॉस्टल्स काठमांडू में थे, एक तो मेरा फ्लॉक हॉस्टल था जिस वक्त जहाँ पे मैं इस वक्त हूँ, थैंक यू, तो फ्लॉक हॉस्टल जहाँ पे मैं ऑलरेडी हूँ यहाँ पे, और एक मैंने लिया था यकेटी याक, उसकी लोकेशन भी बहुत ही ज़्यादा सही थी, दैट्स ऑन द जेठा थामेल रोड जहाँ पे बहुत ही सारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं। पोखरा में मैं रुका था लेक साइड और मेरे हॉस्टल का नाम था कीवी बैकपैकर्स, वंस अगेन अमेजिंग एक्सपीरियंस, वेरी वेरी फ्रेंडली स्टाफ। तो ये मेरे हॉस्टल से जहाँ पे मैंने स्टे किया था पोखरा में, मेरा जो स्टे था उसका रेंट था अराउंड 450 रुपये पर नाइट, इंडियन करेंसी के हिसाब से बता रहा हूँ। और काठमांडू में यकेटी याक का स्टे मुझे पड़ा था अराउंड 600 रुपीज़, और यहाँ पे फ्लॉक हॉस्टल में मेरा स्टे पड़ा है अराउंड कुछ 650 इंडियन रुपी, तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल स्टे था। और दो ऐप्स हैं यहाँ पे बहुत चलती हैं काठमांडू हो, पोखरा हो, नेपाल में, एक है पठाओ ऐप, वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट और इजी ऐप है, और दूसरी है इन ड्राइवर ऐप, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट ऐप है। दोनों आप देख सकते हैं, रेट्स कंपेयर कर सकते हैं, इट्स क्वाइट ईजी टू गो। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर लंच के लिए मंगवाया है ये बहुत ही बढ़िया डबल पैटी चिकन बर्गर, लुक्स रियली नाइस, तो मैं इसको खाता हूँ, इंजॉय करता हूँ, थोड़ी देर में आपको दोबारा कैचअप करता हूँ और बताता हूँ कि मेरा क्या प्लान था और मेरा बजट क्या रहा। तो चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा बजट की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं तो नेपाल में रुका था 11-12 दिन, ठीक है, और मैंने ली थी दिल्ली से फ़्लाइट, कनेक्टिविटी बहुत ईजी मिल जाती है, अगर आप मध्य प्रदेश वगैरह कहीं से भी आ रहे हैं ना तो आपको दिल्ली से कनेक्टिविटी वगैरह लेनी पड़ती है, दिल्ली टू काठमांडू, काठमांडू टू दिल्ली, ये मुझे टू वे फेयर पड़ा था 10,000 का, ठीक है। मैंने बुक किया था स्काई स्कैनर पे, बहुत इजीली वहाँ पे सस्ती टिकट्स मिल जाती है। और उसके बाद मैंने काठमांडू से पोखरा, पोखरा से काठमांडू फ़्लाइट बुक की थी, वो भी मैंने स्काई स्कैनर से की थी और मुझे बहुत चीप फेयर मिल गया था, 5,000 की रिटर्न टिकट। अगर आप दूसरी साइट्स वगैरह पर देखेंगे ना तो यही टिकट जो है सिंगल वन वे टिकट 6,000-7,000 की आ रही थी, तो मैंने स्काई स्कैनर पर बुक की। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बट I'm just giving you my honest review about this website. तो 10,000 की ये टिकट हो गई और 5,000 की डोमेस्टिक टिकट हो गई। पोखरा जाने के लिए आप बस भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बसेस चलती है यहाँ पे, 500-600 नेपाली से लेके 800-1,000 और 1,200-1,500 तक भी लग्जरी बसेस भी आपको मिल जाती है। पोखरा जाने के लिए एक सोफ़ा वाली बसेस बहुत फेमस है यहाँ पे, वो भी चलती है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ रोड्स, यहाँ की सड़कें इतनी अच्छी नहीं है, और यूजली क्या होता है कि अगर आप काठमांडू से पोखरा जाते हैं ना तो अगर सड़क ख़राब हुई या बारिश वगैरह हुई या कुछ भी एनी सेकेंडरी रीज़न तो पूरा दिन आपका जाएगा। तो फ़्लाइट सस्ती थी, 2500 की मुझे मिल गई काठमांडू से पोखरा और पोखरा से काठमांडू, अगेन 2500 की फ़्लाइट, आई थिंक बहुत इजी और कन्वीनियंट थी। तो 15,000 की भाई फ़्लाइटें हो गई। हॉस्टल का स्टे मैंने आपको बता ही दिया कि अच्छा हॉस्टल जो आपको 600-650 में मिल जाएगा, और यहाँ पे सस्ते से सस्ता हॉस्टल भी आपको मिल जाएगा 250-300 इंडियन रुपए में, वो भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि वो बुरा है, जस्ट लोकेशन का थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है और फैसिलिटीज़ का फ़र्क पड़ता है, दैट्स इट। सो स्टे का मेरे एवरेज लगा के चल रहा हूँ 600 रुपये पर नाइट, ठीक है। कुछ जगहों पे ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था, जैसे पोखरा में ब्रेकफास्ट वॉज इंक्लूडेड।
यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने आपको दो ऐप्स बताए हैं, पठाओ ऐप और इन ड्राइवर। बहुत ज़्यादा ईजी है यार, मोबाइल से फटाफट बुक करो और ईज़िली आप पहुँच जाओ जहाँ भी जाना है। और फेयर वगैरह जो है वो ज़्यादातर 150-200 इस बीच में रहते हैं, तो फिर भी आप उसको अगर पर डे के हिसाब से काउंट करके चलो तो 500 रुपये पर डे आपका टैक्सी वगैरह में लग जाएगा अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो फूड की बात कर लेते हैं यार, यहाँ पे खाना जो है वो मुझे इंडिया से कंपैरेटिवली थोड़ा महंगा लगा। मतलब अगर रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाओगे फिर तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, और अगर कैफ़ेज़ नॉर्मल जो स्ट्रीट साइड वगैरह कैफ़ेज़ वगैरह होते हैं वहाँ पर भी थोड़ा महंगा ही लगा मुझे यार। और एवरेज फिर भी कॉस्ट में अगर आपको बताऊँ तो इट वॉज़ लाइक अराउंड 600 पर डे, मतलब लंच डिनर। मैं दो मील खाता था दिन के, ब्रेकफास्ट यूजली मैं स्किप करता था या लंच स्किप करता था, और कॉफ़ी वगैरह मैं रोज़ लेता था दिन में, वो सब डाल डूल के इट्स अप्रॉक्सीमेटली 600 रुपये पर डे। अगर आप इंडियन खाना ही ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, दाल चपाती या फिर नॉन वेज वगैरह, तो द कॉस्ट विल गो अप टू 1000 रुपीज़ पर डे। ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मैं एक्चुअली बाहर जब भी आता हूँ, दूसरे देशों में आता हूँ, मैं उनका खाना ज़्यादा ट्राई करता हूँ, लोकल कुजीन। नेपाल की लोकल कुजीन है नेवाड़ी कुजीन, या फिर यहाँ के मोमो वगैरह, थुक्पा वगैरह, ये बहुत फेमस है, तो मैं ज़्यादातर ना यही चीज़ें खाता था। ठीक है, तो फूड भी हो गया और टैक्सी भी हो गई और स्टे भी हो गया। इसके अलावा साइट सींग वगैरह पे कुछ कुछ जगहों पे आपको टिकट्स वगैरह देनी पड़ती है। जैसे पाटन दरबार स्क्वायर पे आपको 250 नेपाली की टिकट थी, गुप्तेश्वर महादेव केव्स गए थे तो वहाँ बहुत सस्ती टिकट थी, 50 रुपये की। अब दरबार स्क्वायर पे ना, जो काठमांडू का दरबार स्क्वायर है, वहाँ पे फॉरनर्स को यानी कि हमें टिकट लगती है 500 नेपाली, और जो यूरोप यूके वगैरह के लोग हैं उनको 1000 या शायद 1500 नेपाली। और लेकिन मैंने नहीं दिया, क्योंकि दो रीज़न थे। एक तो मैं वहाँ पे टिकट काउंटर की तरफ देख ही नहीं रहा था, मैं अपना मस्त वॉक कर रहा था पूरा दरबार स्क्वायर, मेरे को किसी ने पूछा ही नहीं कि टिकट चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप खुद ही टिकट काउंटर पे जाके खड़े हो जाओगे मुझे टिकट दे दो तो पैसे लगेंगे ही भाई। और दूसरी बार जब मैं दरबार स्क्वायर गया तो मुझे उन्होंने बोला, मुझे एक लेडी आई, अफसर थी वहाँ पे, तो लेडी ऑफिसर मेरे पास आई तो उसने बोला टिकट ले लो। मैंने कहा नहीं, मुझे सामने रेस्टोरेंट में बस कॉफ़ी पीने जाना है, तो उसकी कहेगी टिकट। तो ऐसा था, इट डिपेंड्स। पर फिर भी अगर आप साइट सीइंग की बात करो ना तो 1000 रुपया मान के चलो इंडियन रुपए आपके लग जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, इसके अलावा 1000 रुपये और छोटी मोटी चीज़ें कहीं ना कहीं खर्च हो जाते हैं, तो वो भी अपने पास आप काउंट करके चलो। तो टोटल जो बजट मेरा, जो बजट फ्लाइट वगैरह सारा कुछ डाल के, ये 10-11 दिनों का जो 11-12 दिनों का जो आया है, दैट इज़ 33,000 इंडियन रुपीज़। लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। मेरी एक मजबूरी ये थी कि मेरे पास हमेशा कैमरा रहता था, तो कैमरा देख के भाग जाती थी या शाई फील करती थी। तो मेरी आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा कि मैं जब भी क्लब वगैरह गया हूँ तो कोई ना कोई मेरी वहाँ पे लोकल लड़की फ्रेंड बन ही जाती थी। उसके अलावा बात करते हैं अब यहाँ की नाइट लाइफ के बारे में, बिफोर वी एंड द वीडियो। तो नाइट लाइफ तो भाई ऐसा है, तीन चीज़ें सिंपल बोलूँगा। यहाँ पर आकर भी ना इंडिया बदनाम है। यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि इंडिया के जो लोग यहाँ आते हैं ना वो सीधा एक ही बात बोलते हैं, लड़की कहाँ मिलेगी। मतलब कम ऑन यार, आई मीन थोड़ा सा सेंसिबिलिटी। मतलब मैं ये नहीं कहता कि एंजॉय मत करो यार, ये ऐश मस्ती वाली ज़िंदगी है, और ये जो थामेल एरिया यहाँ पे तो सब मौज मस्ती करने आए हुए हैं, बट थोड़ा सा डिसेंसी के साथ, मतलब सीधा जाके अब लड़की पूछ रहे हो, मतलब इट्स वियर्ड, यू नो, थोड़ा सा अजीब लगता है ये चीज़ें सुन के। जब कोई और देश वाले हमें इस चीज़ों के बारे में बोल दे, कभी आपके यहाँ से देश के लोग आके सीधा ऐसे सवाल पूछता, थोड़ा अजीब लगता तो है। तो बाकी यहाँ पे स्पा सेंटर्स वगैरह है, वहाँ पे सब मौज मस्ती वगैरह हर चीज़ होती है। ठीक है, नाइट क्लब्स में इजी है कि आई मीन ऑफर अ ड्रिंक टू समवन, वो भी डिसेंसी के साथ, ऐसे नहीं कि बस लड़की को घूरते रहो जाके ड्रिंक ऑफर करो, तो ऐसे नहीं है। टेक योर टाइम, थोड़ा सा उनको ये शो करो कि यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना एंजॉय करने आया हूँ, जो कि मैं कर रहा था नॉर्मली। अपने आप कोई ना कोई यू नो आ जाता है आपके पास डांस करने, अगर वो भी सोलो है तो अपने आप यू नो समहाउ डीजे फ्लोर पे यू गेट अलोंग, तो ऐसा फ्रेंड्स वगैरह बन जाते हैं। मतलब रॉन्ग इंटेंशन ज़रूरी नहीं है कि रॉन्ग इंटेंशन ही है, इट्स जस्ट फॉर फिजिकल, नॉर्मली भी दोस्त बन जाते हैं, अच्छे दोस्त बन जाते हैं यार। तो लड़के हो लड़कियाँ हो, यहाँ की यूथ जो है बहुत फ्रेंडली है। और मैं इन दिनों में आया था जब इंडिया का वर्ल्ड कप चल रहा था, तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, लेकिन यहाँ के 75-80% लोगों को खुशी नहीं हुई। दे सेड कि हमें आई डोंट नो, यहाँ तो वो क्रिकेट में इंटरेस्टेड नहीं है, वो इंडियन टीम में इंटरेस्टेड नहीं है, फॉर सम रीज़न है, नहीं आओ। एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, थामेल की तीसरी चीज़,
कि यहाँ पे तीन तरह के नाइट क्लब्स, डांस बार्स वगैरह हैं। एक तो होते हैं सिंपल से डांस बार होते हैं, छोटे छोटे डांस बार बने हुए हैं, वहाँ पे आप जाओ, बियर ऑर्डर करो, अपने आप लड़कियाँ आके आपके पास बैठ जाएगी, आपके साथ बातें करेगी, आपके साथ फ्रेंडली हो जाएगी, बट बिल आपका ज़्यादा बनवा देगी। वो एक तरह से स्पैम है। ऐसा हर बार में नहीं होता, बट 90% बार्स में यही चीज़ें होती है। दूसरा है, यहाँ पे कुछ ऐसे क्लब्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे सही सही क्लब्स हैं, वो मैंने अपनी वीडियोज़ में दिखाया, आप वीडियोज़ सारी चेक कर सकते हो, जहाँ पे कोई एंट्री फीस है ही नहीं। वहाँ पे जाके बस आपको ये करना है कि आप वहाँ पे जाओ, म्यूज़िक वगैरह इन्जॉय करो, और डिसेंसी अगर इसमें है कि थोड़ी सी अगर बियर ऑर्डर कर सकते हो तो कर लो, नहीं करोगे तब भी चलेगा यार। कोई उनको, कोई आपके पीछे खड़े नहीं होते देखने के लिए कि यार ये बंदा, थाईलैंड की तरह कि यार ये बंदा यहाँ पे इन्जॉय तो कर रहा है पर कुछ ऑर्डर नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, तो मस्त है, सब चिल्ड आउट है। तीसरा, यहाँ पे LOD बार है या फिर और एक दो बार्स हैं बहुत फेमस, जहाँ पे 1000 नेपाली रुपी एंट्री लगती है, और एक टाइम पे शायद एक दो साल पहले बहुत फेमस हुआ करते थे, नाउ इट्स बिट ओवररेटेड, और यहाँ के जो यूथ है वो यहाँ जाना पसंद नहीं करते क्योंकि वो फेमस हो चुकी है जगह। तो और बहुत सारे न्यू क्लब्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। एक पर्पल हेज करके यहाँ पे क्लब है, दैट इज़ ओनली फॉर गुड म्यूज़िक, अगर आपको रॉक पसंद है तो यू कैन गो टू दैट प्लेस। तो भाई ये था, अच्छी जगह है, अच्छा मौसम होगा, आज बारिश हो रही थी, मैंने सोचा चलो यार आपके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन और बजट वगैरह शेयर कर लेता हूँ। मैं से शायद इक्का दुक्का कोई चीज़ रह गई हो तो उसके लिए मजरत है, कोई सवाल हो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ सच, कि जैसे कि बारिश थी तो मैं ज़्यादा इंजॉय, ज़्यादा जगहें घूम नहीं पाया। यहाँ पे दो तीन जगहें ऐसी भी हैं, नागरकोट, देन मुस्टांग वैली, बहुत प्यारी जगह है यार, मैं जाना चाहता था बिकॉज बारिश की वजह से मैं नहीं जा पाया। और एडवेंचर टूरिज़्म वगैरह भी आप यहाँ पे कर सकते हो, उसके प्राइजेस मैंने अपनी सारी वीडियोस में डाल दिए, क्योंकि हर जो भी ट्रैवल शॉप्स वगैरह सबके अलग अलग है। जैसे पैराग्लाइडिंग है, कोई 5000 नेपाली रुपये की करवा रहा है तो कोई 8000 की करा रहा है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियोज़ में चेक किया, पुखारा वाले ब्लॉग्स आप चेक कर लेना, ठीक है। तो होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप।